भास्कर 10 नंबर की चाबी देना। अभी लाया भैया। ये लो भैया। छोटू यार चैन टाइट कर दी उसकी। जा टाइट कर दे भैया। 20 रुपए लगेंगे भाई, ले लेना। ठीक है लो भैया, हो गई चैन टाइट। हो गई भाई। 20 रुपए देने? जी भैया। अरे भास्कर आजा, खाना खाते हैं। देख छोटू, कल हम लोगों को दुकान जल्दी खोलनी है, क्योंकि मुझे गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स लेने के लिए भी जाना है। ठीक है। भैया एक बात पूछूं? हाँ पूछ छोटू। आप बरेली गए थे पढ़ाई करने के लिए, आपने अपनी पढ़ाई बीच में ही क्यों छोड़ दी? छोटू वो एक फ्रॉड कॉलेज था और उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। भैया मुझे बताओ क्या हुआ वहाँ पर? अगर तू सुनना चाहता है तो सुन। ओ हेलो, एक छोटू को अपनी कहानी बाद में सुनाना, पहले इधर आओ। हाँ जी मैडम, कहिए। देखो मेरी गाड़ी खराब हो गई है, एक बार चलकर देख लो। देखिए मैडम, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि गाड़ी आपकी वहाँ जाकर देखें, आपको गाड़ी गैरेज पर लानी होगी। अरे भैया मैडम इतना प्यार से बोल रही है तो एक बार चलकर देख लीजिए ना। प्लीज एक बार चलकर देख लो। चलो ठीक है भास्कर, एक काम करो मैडम की गाड़ी चलकर देखते हैं आप। चलिए मैडम। क्या हुआ था मैडम गाड़ी में? पता नहीं अचानक चलते चलते बंद हो गई, फिर उसके बाद स्टार्ट ही नहीं हुई। ठीक है अभी देख लेते हैं। ले मैडम चाबी। अरे भास्कर बोनट ओपन कर जरा। अरे मैडम आपने गाड़ी का पानी तो देखा ही नहीं, इसमें पानी है ही नहीं बिल्कुल। गाड़ी का इंजन सीज हो गया है और इसको ठीक करने में कम से कम पूरा 1 दिन लगेगा। अब बताइए आपको क्या करना है, गाड़ी गैरेज पर ले जानी होगी मैडम। ऐसे कैसे गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है, मेरी न्यू गाड़ी है, तुम पागल हो गए हो क्या? देखो तुम्हें पैसे चाहिए तो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी गाड़ी ठीक कर दो। अरे मैडम आप समझने की कोशिश करो, इसका इंजन सीज हो गया है और इसको ठीक करने में पूरा 1 दिन लगेगा, इस गाड़ी को खींच कर ले आना पड़ेगा। देखिए मेरे लिए बहुत अर्जेंट है, प्लीज कैसे भी करके मेरी गाड़ी ठीक कर दो। सॉरी मैडम हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ओह माय गॉड अब क्या करूं, 1 दिन में तो मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा। आइडिया, कैब बुक कर लेती हूँ, उससे चली जाती हूँ। हेलो मैडम, यहाँ पर कोई कैब वगैरह नहीं मिलती, अगर आप चाहो तो किसी ऑटो से जा सकती हो। क्या कहा, ऑटो से? तुम्हें मैं ऑटो में चलने वाली दिखती हूँ? ठीक है आपकी मर्जी, वैसे मैडम ज्यादा ही इम्पोर्टेंट काम है कुछ। हाँ वो एक्चुअली मुझे डीएम ऑफिस जाना है 2 बजे और देखो 1 बज गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको अपनी स्कूटी से छोड़ सकता हूँ, बताइए। छी 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 छी, स्कूटी से जाऊंगी मैं? इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे कि स्कूटी से जाना पड़े। ठीक है मैडम जैसी आपकी मर्जी।
अब आस्कर निकलते हैं। अरे यार फिर तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगी, एक काम करती हूँ स्कूटी से ही चली जाती हूँ, कम से कम काम तो नहीं बिगड़ेगा। अरे सुनो इधर आओ। पता नहीं इसको क्या हुआ, आ देखते हैं। अच्छा तो तुम अपनी स्कूटी से छोड़ दो मुझे। एक काम कर भास्कर, गैरेज से अपनी स्कूटी ले आ, जल्दी भाग कर जा। आइए मैडम। भास्कर एक काम करना, इस गाड़ी को गैरेज पर पहुंचवा देना और मैं मैडम को छोड़ने के बाद गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स भी ले आऊँगा, ठीक है? मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, मैं गाड़ी ले जाऊँगा। लीजिए मैडम, आगे आपका डीएम ऑफिस। ओके थैंक्स, बाय बाय। वो उस दिन वाली लड़की आपको बार बार देख रही थी, मुझे तो लगता है उसको आपसे प्यार हो गया है। देख भास्कर, ये फालतू काम पर ध्यान मत दिया कर, काम पर फोकस कर, ठीक है? हम लोग मैकेनिक हैं, कोई भी लड़की प्यार हमसे कैसे कर सकती है? देख मोबाइल पर फोन आ रहा है, फोन उठा। भैया चाचा जी का फोन आ रहा है। हेलो, नमस्ते चाचा जी, कैसे हो आप? हाँ चाचा जी, हम लोग भास्कर का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अरे आप चिंता मत कीजिए ना, वो हमारे साथ रहता है। हाँ ठीक है चाचा जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ क्योंकि अभी काम बहुत है। ठीक है। अरे यार ये लड़की यहाँ पर, एक काम करता हूँ आज इस लड़की से बात कर ही लेता हूँ। हेलो मैडम, कैसे हो? अच्छी हूँ, आप बताओ? हम भी ठीक हैं। यहाँ पर आप कैसे? हाँ मैं इसी के होटल में रहती हूँ और यहीं पे है मेरा घर। अच्छा, लेकिन आज से पहले मैंने आपको यहाँ पर कभी नहीं देखा। हाँ वो मैं घर से कम निकलती हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं अपनी गाड़ी के पार्ट्स लेने के लिए इसी रास्ते से जाता हूँ, तो पार्ट्स लेने के लिए जा रहा था। एक बात बोलूँ, आप सच में बहुत अच्छे हो, अगर उस दिन आप मुझे ड्रॉप नहीं करते तो मेरा काम खराब हो जाता। मैडम हमारा तो काम ही है लोगों की मदद करना, और हमने उस दिन आपकी मदद की। वैसे क्या हम दोस्त बन सकते? हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तो आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार हैं, आप इतने क्यूट जो हो। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे कुछ सामान लेकर आना है। अरे इतनी जल्दी भी क्या है जाने के, अब तो हम दोस्त बन चुके हैं, तो अपना नंबर तो दे दो। ठीक है लाइए लीजिए। ठीक है हम चलते हैं क्योंकि गैरेज पर कुछ कस्टमर बैठे हुए हैं। ओके बाय बाय। यार भास्कर एक बात बोलूं, यार मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है, और जब तक मैं उसे ना देखूं ना तब तक मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि जिंदगी अधूरी है उसके बिना। अरे भैया तो आप उसको बोल क्यों नहीं देते कि आप उससे प्यार करते हैं? भास्कर मैं उसे बोल तो देता, लेकिन डर लगता है कि कहीं। अरे भैया प्यार किया तो डरना क्या, जो आपके दिल में है सब बोल दीजिए उसे। ठीक कहता है भास्कर तू, आज मैं उसे अपने दिल की बात बोल कर ही रहूंगा। बोलो रोहतास, इतनी रात में क्यों बुलाया मुझे यहाँ?
काजल, हमारी दोस्ती को काफी लंबा समय हो गया है और मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। हाँ तो रोहितास, तुम बोलना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। तो काजल, मैं सोच रहा था क्यों ना हम अपनी इस दोस्ती को प्यार में बदल दें। आई लव यू। व्हाट द हेल इज दिस? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करूंगी? खड़े हो तुम, मैंने कहा खड़े हो। मैंने तुमसे दोस्ती में हंसकर दो बातें क्या कर ली, तुमने उसका ये मतलब निकाला? काजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अरे कम से कम अपना और मेरा लेवल तो देख लिया होता तुमने। मैं एक अमीर घर की लड़की और तुम एक सड़क छाप मैकेनिक। 100-200 रुपए कमाते होगे एक दिन में, इतना तो मैं एक मिनट में उड़ा देती हूँ। काजल, बेशक मैं आज एक मैकेनिक हूँ, लेकिन एक ना एक दिन देखना बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। तुम जैसे लोग सिर्फ सपने देख सकते हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। काजल, मेरा विश्वास करो। और हाँ, प्यार गरीबी और अमीरी को देखकर नहीं किया जाता। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा काजल। देख, अब कुछ ज्यादा ही ओवर हो रहा है। आज से तेरी मेरी फ्रेंडशिप खत्म। अब मुझे अपनी ये गंदी शक्ल मत दिखाना। काजल, थोड़ा तमीज से बात करो, क्योंकि इज्जत मेरी भी है। क्या कहा? इज्जत और तेरी? तू एक गरीब मैकेनिक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब हट यहाँ से, जाने दे मुझे। बेबी, तुम्हें पता है अभी कुछ टाइम पहले आईफोन 13 लॉन्च हुआ है, तो वो फोन मुझे दिला दो। अरे डार्लिंग, कैसी टेंशन ले रही हो? मैं तुम्हारे लिए आईफोन 13 प्रो मैक्स दिलाऊंगा, वो भी 256 GB। और देखो, तुम्हारा मजनू जा रहा है। इस जैसे मजनू को तो मैं अपनी जूती के नीचे रखती हूँ। चलो यार, कॉफी शॉप पर चलते हैं। चलो। अरे भास्कर, रोहितास कहाँ है? वो तो घर पर हैं। पता नहीं उनको क्या हो गया है, अब दुकान पर आते ही नहीं है। अरे रोहितास, क्या बात है, तू इतना उदास क्यों रहता है? पिछले कई दिनों से दुकान पर भी नहीं जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, बता मुझे। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही यार, काम करने में दिल नहीं लगता अब। काम में दिल ना लगने की कोई तो वजह होगी मेरे यार। सतीश, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था और अब से कुछ दिन पहले मैंने उसे प्रपोज भी किया, लेकिन उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया, क्योंकि मैं एक गरीब मैकेनिक हूँ इसलिए। लेकिन देखना सतीश, एक दिन मैं उसे उसकी औकात दिखा कर रहूँगा। देख रोहितास, ये लड़कियाँ सिर्फ उन्हीं से प्यार करती हैं जिनके पास पैसा होता है। अगर तुझे लाइफ में बड़ा आदमी बनना है ना, इसके लिए तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ सतीश, अब मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करूँगा और एक दिन बड़ा आदमी ज़रूर बनूँगा। आप चलते हैं। सिट यार, इस गाड़ी को अभी खराब होना था, आज तुम पार्टी के लिए भी लेट हो जाएंगे। हाँ बेबी, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया जो गाड़ी खराब हो गई। यार मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तुम एक काम करो, किसी गाड़ी वाले से लिफ्ट लो और जाकर मैकेनिक को बुला कर लाओ, जिससे हमारी गाड़ी ठीक हो सके, हम टाइम से पार्टी में जा सके। और हाँ, अगर मैं इस पार्टी में नहीं पहुँची तो मेरी फ्रेंड बुरा मान जाएगी, मुझे ये पार्टी मिस नहीं करनी है। ठीक है यार, मैं अभी लिफ्ट मांगता हूँ। अरे ये तो वही गरीब मैकेनिक है जो कभी मेरा मजनू हुआ करता था। चलो गाड़ी इसी से ठीक करा लेते हैं। सही कहा तुमने, जब तू आ ही गया है तो हमारी गाड़ी ठीक कर दे, हम तुझे 5,000 रुपए का इनाम देंगे। और हाँ, तेरे काम के पैसे अलग से मिलेंगे। चल अब गाड़ी ठीक कर। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ मुझे पता है मैं किससे बात कर रही हूँ। ये एक मामूली सा मैकेनिक है जो एक छोटे से गैरेज में काम करता है। सुनो, तुम जिन्हें मैकेनिक बोल रही हो ना, वो इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। कोई बात नहीं विकास, बोलने दो इसे। क्या क्या कहा? ये और बिजनेसमैन, गरीबी में रहने वाले कीड़े कब से बिजनेसमैन हो गए? सुन, मैं गरीब था लेकिन अब गरीब नहीं हूँ। मेरे जैसे मैकेनिक तो तू अपने जूती के नीचे रखती है ना। कुछ और भी कहा था तूने। हाँ याद आया कि
कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है मुझसे प्यार करने की। मैं सच बोलूं तो प्यार गरीबी और अमीरी को देखकर नहीं होता, प्यार तो कहीं भी और किसी से भी हो सकता है, पर तू क्या जाने प्यार किस अनमोल शब्द का नाम है। और हाँ, क्या कह रहा था तू? 5,000 रुपये देने की बात कर रहा था। ये पकड़ पैसे, अपनी गाड़ी ठीक करा देना।